समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में बेतियाहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के महानगर अध्यक्ष जावेद इस्लाम, रामजीवन मौर्य, ओम प्रकाश यादव सहित अन्य अधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी दिनों में जिले में होने वाले ग्राम प्रधान और BDC सदस्यों के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने तथा उन्हें विजयश्री दिलाने की रणनीति तैयार की गई। इसी के साथ सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन की रणनीति भी तैयार की गई। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आगामी 2022 में आपके साथ अभी 20 में भी एक बार आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। 2020 में चुनाव होंगे पंचायतों के, उसमें जिला पंचायत सदस्यों को 26 तारीख को, क्योंकि 7 जगह चुनाव होने जा रहे हैं ग्राम प्रधान से। ग्राम प्रधान बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनके घर के लोग अगर पार्टी के साथ पहले थे, इस समय बीच में लोकसभा चुनाव में गिर चुके हैं, तो 26 तारीख के पहले, क्योंकि हम आज 23 तारीख में आप लोगों की बैठक कर रहे हैं और देखिए हमारे राम बच्चन भाई जी बैठे हैं, थोड़ा सा ये रामा भाई से घट जा रहे हैं, थोड़ा सा और इधर उधर, हाँ तो आपसे भी हमारा अनुरोध है, भवानीगढ़ में कोई उचित नाम देख लें। आपका पेट्रोल पंप बगल में है, गाँव बगल में है, भवानीगढ़ के सारे लोगों से आप बहुत परिचित हैं। भवानीगढ़ से आप 3 लोग वहाँ हमारे ऐसे साथी हैं कि कोई नाम सुन लेंगे और थोड़ा सा आप जो हिंट कर देंगे तो ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों को खास करके इस चुनाव को भी, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है, इसमें हम लोग अपनी भूमिका निभाएं। तो जानकारी क्योंकि अचानक मांग ली जा सकती है और उन्होंने कहा है कि कार्यकारिणी को बैठक करने के लिए कार्यकारिणी में बात आनी चाहिए, तो उसके पत्र के निर्देश के क्रम में हमने आप लोगों को दिया है। कार्यकारिणी की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि गोरखपुर जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो रिक्त पद हैं पंचायतों के, उसको भरने के लिए चुनाव होना है। गोरखपुर में 7 ग्राम प्रधानों का, 12 BDC सदस्यों का और 36 ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। जो 19 ब्लॉक जो हमारे हैं उसमें कैंपियरगंज, पाली, उरुआ, बेलघाट, खजनी, सरदारनगर, गगहा, बढ़लगंज, इन ब्लॉकों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हमारे साथी हैं उनको इन चुनावों में समर्थन दिया जाए और जिताया जाए, इसलिए बैठक हो रही है। हाँ, एजेंडे में हमारे शामिल है। हम आगे की रणनीति, चूंकि अभी सब लोगों के विचार आने बाकी हैं, हम सरकार के खिलाफ सड़क पर आने के लिए, जो जिले में बलात्कार हुए हैं, लगभग 10 की संख्या में बलात्कार इस जून महीने में हो चुके, जिसमें 6 साल, 7 साल और 10 साल की बच्चियों के साथ, 3 बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, जिसमें एक का मर्डर भी हुआ है। तो हम लोग जिलाधिकारी से, शासन के माध्यम से ये मांग करने के लिए पहले तो उनसे एक पत्रक देंगे, बाद में अगर वो नहीं कंपनसेशन देते हैं इन परिवारों को तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि इन पीड़िता के परिवारों को कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। जिम्मेवारी है सरकार की उनकी सुरक्षा की, सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई तो उनके परिजनों को अगर मुआवजा नहीं देती है तो हम लोग सरकार के सामने आएंगे।